अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बायो एक्वा की प्रोडक्ट लेकर आई हूँ और मैं आज आपको इसकी रिव्यूज़ दूंगी। ये है मेरे पास V7 डीप हाइड्रेशन क्रीम, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। ज़बरदस्त सी क्रीम है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा है, तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में रिव्यू दूंगी। सबसे पहले प्राइस की बात कर ली जाए तो ये 400 से 500 तक आपको इजीली मिल जाता है। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, यानी कि दराज से अगर आप लेना चाहें daraz.pk से, तो वहाँ पर भी अवेलेबल है। ठीक है, इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके बड़े ज़बरदस्त से बेनिफिट्स है और रिज़ल्ट भी इससे कमाल के हैं। इस क्रीम के अंदर वराइटी ऑफ विटामिंस हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटनिंग करता है, कवर करता है फेशियल ब्लेमिशेस को, स्किन ग्लो के लिए बेस्ट है, फ्लॉलेस क्रिस्टल क्लियर है, कॉम्प्लेक्शन को जो है आपकी ब्राइटनिंग देता है, क्लियर वाटर, नेचुरल टेक्सचर देता है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसकी बेनिफिट्स है इस क्रीम की, और ज़बरदस्त है इसके रिज़ल्ट है। आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ और फिर इसको लगा कर भी दिखाऊँगी ताकि आपको इसके रिज़ल्ट का पता चले। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसको जो है अनबॉक्सिंग करा और 50 ग्राम का ये जार है बायो एक्वा V7 डीप हाइड्रेशन की। इसकी सेम इसी जार में एक V7 की टोनिंग लाइटनिंग क्रीम भी आती है, तो नेम जो है देख कर लीजिएगा जब आपने लेना। अगर ये वाला यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर नेम देख लीजिएगा, इसका नाम है बायो एक्वा V7 डीप हाइड्रेशन क्रीम। ठीक है, क्रीमी टेक्स्चर होता है, फ्रेगनेंस की अगर बात की जाए तो लाइट सा फ्रेगनेंस है, अच्छा है। ठीक है, इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ अपने हैंड पर। ठीक है, और मैं इसे यहाँ लगाऊंगी। ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट है, अभी आपके सामने आपको पता चल जाएगा इसके रिज़ल्ट। जब तक लगाने का जो तरीका है वो इसके बॉक्स में भी लिखा है, और इसका तरीका एक तो इसके बॉक्स में भी लिखा है और दूसरा ये कि इसके बेनिफिट्स का भी जिक्र इसके बॉक्स में किया गया है। लगाना आपको यूँ है जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है और जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए तो आपने इसे मसाज करते रहना है। ठीक है, जब ये एब्जॉर्ब हो जाए तो छोड़ देना है आपने। अच्छा, जब भी आप फेस पर लगाएं सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर ले। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई सीरम या क्रीम अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को जो है बहुत अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद कोई क्रीम या सीरम का इस्तेमाल करके। तो सेम इसमें भी ऐसा ही करना है। रिज़ल्ट देखें आपके सामने, मैंने आपके सामने अप्लाई करा है, ये देखें डिफरेंस आपके सामने। ये वाइटनिंग भी दे रहा है, इसकी ग्लो को देखें, फिट कर देता है आपकी स्किन को, ज़बरदस्त सा रिज़ल्ट है। ये देखें ये आपके सामने है। तो ये बायो एक्वा की V7 डीप हाइड्रेशन क्रीम की रिव्यूज़ थी जो कि मैंने आपको लगा के भी दिखाई। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियोज़? अगर अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।